भगवान जी सूर नहीं सी मोहन भगवान दी बंबर तंदुरुस्ती से तसे बंबर लगे से मोहन जिगर मोहन जान लगे भलाए खुशी खुशी नहीं भगवान खुशी खुशी दी भगवान जो बचपन से सपना देखा था वो पूरा हुआ और एक लंबा प्रोसेस था जो फाइनली अब जाके कंप्लीट हुआ और एक रिलीफ है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। थोड़ा शेयर करेंगे कि आप स्कूल टाइम से लेके और यूपीएससी एग्ज़ाम तक कहाँ रहे, किस इंस्टीट्यूट में रहे और क्या क्या दिखते हैं आपने पेश किए? जी मैं किश्तवाड़ के सरकूट गांव में रहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भारतीय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय किश्तवाड़ से हुई है 10th क्लास तक, और उसके बाद 11वीं 12वीं में मैं जम्मू गया पढ़ने के लिए। SP स्मार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th किया और उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चक भलवाल से। तो इस दौरान काफ़ी दिक्कतें आती रहती थी क्योंकि मैं किश्तवाड़ एक बहुत रिमोट एरिया है और काफ़ी बार बर्फ़बारी के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण ये देश के बाकी पूरे देश से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे रहने के लिए वैसे ही माहौल में ढलना पड़ा, तो वो दिक्कतें फेस करते करते और कहीं ना कहीं उन दिक्कतों ने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं अगर कुछ बनता हूँ तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करूँगा। पहले प्रोफेशनल कोर्स पकड़ना? नहीं, बचपन से चाह IAS बनने की ही थी, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स इसलिए चुना क्योंकि एक तो करियर सिक्योरिटी के लिए, और प्रोफेशनल कोर्स में इंसान बहुत कुछ सीखता है। और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर की, और साइट पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे रहे जो कहीं ना कहीं मुझे आगे भी फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से UPS एग्ज़ाम क्रैक करने वाले बच्चे के, तो कहीं इसमें कोई फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं या कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? एक मिसकंसेप्शन है या फिर आम धारणा है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए कोचिंग चाहिए, कोचिंग करने की आवश्यकता है, वो भी दिल्ली में रह के जहाँ की फ़ीस ही 1.5 लाख रुपया इसके आसपास है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो ड्रीम देखना कि कोचिंग करना, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन बन जाता है। लेकिन मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और पैसे अरेंज करके लोन वगैरह लेके तो मुझे कोचिंग के लिए भेजा गया। लेकिन कोचिंग में मैंने देखा कि जो पढ़ाया जाता है किताबें वही हैं, और बेटर है कि खुद उन चीज़ों को पढ़ा जाए। और मैं तीन चार महीने में कोचिंग छोड़ के किश्तवाड़ वापस आ गया। एक मेरा पर्पज़ ये भी था कि दिखाना यहाँ पे कि घर में बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है सिविल सर्विसेज की। और इस अटेम्प्ट में मैंने पूरे सर्कल में एक बार भी दिल्ली नहीं गया, तो पूरे एग्ज़ाम के टाइम पे मैं यहीं पे था। मैंने जम्मू से एग्ज़ाम लिखा और
यही आशा करता हूँ कि एक इंस्पिरेशन बनेगा बाकी लोगों के लिए जो ऐसे रिमोट एरियाज़ में मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एक मैं एक यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ 200 रुपया फ़ीस लगती है, वो होना चाहिए। बाकी पढ़ाई के लिए इंफॉर्मेशन का आजकल इतने सोर्स डेमोक्रेटाइज हो गए हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और सिर्फ डेडिकेशन हार्डवर्क चाहिए। गलत रास्ते में जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एजुकेशन वो नहीं होती जो हमको पैसे कमाने का ज़रिया बताए, एजुकेशन इज़ अ मैन मेकिंग करेक्टर मेकिंग थिंग। तो एजुकेशन हमारी जब हम कोई भी कोर्स करते हैं या एजुकेशन होती है तो उससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमारा पर्पज़ क्या है सोसाइटी में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे आपने कहा कि अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से लोग आके मिलिटेंसी की तरफ गलत दिशा में चले जाते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि हम कैसे अपने सोसाइटी को बेटर सर्व कर सकें, कैसे अपने लोगों को बेटर सर्व कर सकें। अगर वो एक डॉक्टर के पेशे में हैं तो वो एज अ डॉक्टर कितना सर्व कर सकते हैं, कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। इंजीनियर हैं, रोड्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, टनल्स, ब्रिजेस, सब कुछ बना सकते हैं, और किसके लिए, आने वाली जनरेशन। चाहिए तो मैं वहाँ पे हूँ आपके लिए, कभी भी कोई गाइडलाइन चाहिए मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आपके पास पावर आती है, अगर आज मेरे पास एक पावर है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व द कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी से आप आते हो आप सोसाइटी के हेल्प करो, आप अपने लोगों को हेल्प करो, ये स्कोप होना चाहिए आपका। पैसा कमाना आपका स्कोप नहीं होना चाहिए, एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी को हेल्प करना आप लोगों का एक मोटिव होना चाहिए। और यहाँ पे काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ, मैं काफी लोगों से उम्मीदें हैं मुझे। वेल एक्चुअली इट्स ए ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ फुलफिलमेंट। जो मैंने गोल अपने लिए सेट किए थे वो आज मैंने अचीव किए हैं, काफी अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को आज। आप ये सारा क्रेडिट किसको देते हैं, इसके पीछे के जो है? मैं ये सारा क्रेडिट जो इमोशनल सपोर्ट था मुझे वो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे। आपकी स्कूलिंग और आपकी कॉलेज ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की और क्या फिर उसके बाद आपका क्या सफर रहा? फर्स्ट टू ट्वेल्थ मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सांबा से की है, उसके बाद मैंने बीटेक किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, और बीटेक के कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चले गया था कोचिंग के लिए सिविल सर्विसेज का, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज कंप्लीट करूं। उसके बाद मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और इसमें मैंने सक्सेस हासिल किया। बहुत मेहनत के बाद में आपने ये मुकाम हासिल किया, बाकी जो स्टूडेंट हैं, बाकी जो बच्चे हैं जो आने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा उनको कि इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके साथ आप अपना अवेयरनेस इंक्रीज करें, और माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अवेयरनेस और माइंडसेट है आप कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि एक अगर एक चेंज लाने के लिए, एक सक्सेस लाने के लिए आपको अवेयरनेस की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरीके के प्रोग्राम से आपको एक ऑनर मिलता है और आपको सीखने को मिलता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी सक्सेस को हम अचीव कर सकते हैं। फिर फ्यूचर में आपका क्या, अभी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर क्या आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल अभी मेरी ट्रेनिंग होगी लबासना में, और उसके बाद मेरा स्टार्ट होगा, 2 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद कैडर अलॉट होगा और फिर मेरी सर्विस स्टार्ट होगी। कैडर को आप प्रेफर, आपको क्या माइंड में क्या है, क्या करेंगे? प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी एक फॉर्म फिल करवाती है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें वो आपका प्रेफरेंस मांगती है, जिसमें मैंने अपना होम कैडर जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट रखा है। तो अगर मेरे को मिलता है तो काफ़ी खुशी होगी मुझे, क्योंकि फिर मेरे को काफ़ी स्कोप होगा कि अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों की मदद करने को।
तो मैं चाहूँगा कि मुझे होम स्टेट मिले, तो वो देखते हैं अभी क्या होता है।